हेलो स्टूडेंट्स, कैसे चल रही है सभी की पढ़ाई? तो आज हम लोग नए लुक के साथ क्लास को ले रहे हैं। तो रोज़ तो हमारी क्लास कंप्यूटर पे रहती है, ऑब्वियस है, सबने देखा ही है। लेकिन आज मैंने सोचा कि क्लास को जो है बोर्ड पे ले लेते हैं। तो उसका भी एक कारण है, इसका रीज़न है कि एक्चुअली आज जो हम टॉपिक सीखने वाले हैं वो थोड़ा क्वेश्चंस उसके थोड़े लंबे से हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक ही स्क्रीन पे ही वो सारे के सारे तुम लोगों को दिखें, ताकि आराम से नोट कर पाओ और एक ही स्क्रीन पे हम सारी चीज़ें समझ पाएँ, जो कि कंप्यूटर में पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये रीज़न है आज बोर्ड पे आने का। और मुझे कमेंट पे लिखना कि डेली वाला जो प्रोसेस रहता है उस तरह से अच्छा लगता है, या फिर बोर्ड पे आज का जो रहेगा पहले देख लो, ऐसे पढ़ने में मज़ा आ रहा है, जैसे भी ठीक लगे मुझे लिखना, फिर उस हिसाब से हम लोग क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज के पार्ट के अंदर जो कि पार्ट 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का CBSE क्लास 10th का, इसके अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। पूरी की पूरी वीडियो के अंदर और कोई बात नहीं करेंगे, केवल और केवल बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के सारे कंसेप्ट्स, उससे रिलेटेड जो जो भी नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए 10th लेवल की भी, और थोड़ा अपर लेवल पर जाके 11th क्लास की भी यहाँ पर थोड़ी बात करूँगा मैं। और उसके बाद फिर NCERT एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट जो कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर पर बेस्ड हैं, उनको हम आज की वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब एक मेरा सजेशन है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जब मैं सिखाऊंगा तो उसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं बच्चों, वो स्टेप्स आप लोगों को याद रखने हैं। अगर वो स्टेप्स याद हैं आप लोगों को तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो उन स्टेप्स को अपने पास नोट कर लेना, लिख लेना। पहला जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसको ध्यान से समझना, लिखना मत, ध्यान से पहले समझ लेना, फिर वीडियो को पॉज करके उसको लिखना, और फिर जो सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट करना शुरू करेंगे उनको मेरे साथ साथ सॉल्व करना, तो बढ़िया से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब ध्यान क्या रखना है, जैसे मैंने बताया जो स्टेप्स बताऊंगा वो स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं, बस वो स्टेप्स याद रखने हैं। और बहुत आसान मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये शुरुआत कहाँ से होती है वो जरा थोड़ा सीख लेते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आया कहाँ से, कैसे हमें इसके बारे में पता लगा? तो बच्चों, अगर हम एक एग्जांपल लें, सपोज 2x-3 का होल स्क्वायर और -9 इज इक्वल्स टू 0, ये एक मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि डिग्री इसकी 2 है। जिस भी इक्वेशन की डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने का कितना आसान तरीका है, 2x-3 का होल स्क्वायर, 9 को हम लोग RHS में ले गए, ठीक। 2x-3 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर है इधर गया, रूट बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 9, और 2x-3 हमारे पास निकल के आ जाएगा +-3। अब सबसे पहली बात जो सबको सीखनी है और याद रखनी है, ध्यान रखनी है, वो ये है कि रूट में से हमेशा प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू निकलेंगी, ये चीज़ सभी याद रखना। जैसे यहाँ पर मैंने अंडर रूट 9 में से, नॉर्मली क्या होता है भाई, रूट 9 जो है वो 3 होता है, ऐसा सबको लगता है, लेकिन रूट 9 एक्चुअल में +-3 दोनों साइन के साथ हमें वैल्यू लिखनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं -3 का स्क्वायर करता हूँ तो भी मेरे पास 9 आता है, और अगर 3 का स्क्वायर करूँगा बच्चों तो भी 9 आएगा, है कि नहीं। तो फिर जब मुझे रूट 9 सॉल्व करना होगा तो मेरे पास दोनों आंसर आने चाहिए ना, -3 भी और +3 भी, तो बस यही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी सॉल्व करते वक्त रूट लगेगा तो रूट में से प्लस और माइनस में वैल्यू निकालनी है, ये हमेशा ध्यान रखना है। अब आगे इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, 2x-3 इज इक्वल्स टू रख दिया एक बार +3 के, और दूसरी तरफ 2x-3 इज इक्वल्स टू रख दिया हमने -3 के। तो यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू 3+3, माने x इज इक्वल्स टू 6/2, यानी कि 3 आ जाएगा पहला आंसर हमारा, x की पहली वैल्यू। और यहाँ से हम लोग देखें तो 2x इज इक्वल्स टू -3+3 जो कि 0 हो जाएगा, और 0.2 हमें देगा x इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल। ये आंसर हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब कहोगे सर इसके अंदर खास बात क्या है, तो खास बात यह है कि हमें ध्यान दो, हमें ना ही तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना पड़ा, ना ही नंबर सोचने पड़े कोई भी, जो इससे पिछला मेथड हमने सीखा है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का, फैक्टराइजेशन का, उसमें नंबर सोचने पड़ते थे, कई बार एलसीएम लेना पड़ता था, फिर पेयर बनाते थे, फिर कॉमन लेते थे, इतना झंझट था ना। इसमें क्या झंझट है, कोई झंझट दिखाई दिया? कोई भी नहीं है अब तक। तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि यहाँ पर देखो ये चीज़ स्क्वायर, अगर हमें इक्वेशन के अंदर स्क्वायर बना हुआ मिल जाए तो बहुत इजीली हमारा इस तरह से आंसर आ जाता है।
तो फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर का कंसेप्ट पूरा का पूरा आ गया, यानी अब तुम लोगों के पास टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड हो गए। सबसे पहला स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जो पिछले पार्ट के अंदर सिखाया था, जिसको फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं, नाइन्थ में भी कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा। दूसरा मेथड ये जो आज के पार्ट के अंदर पूरा हम सीखेंगे, कंप्लीटिंग द मिडल स्क्वायर, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और तीसरा एक मेथड और हम लोग पढ़ेंगे आने वाले पार्ट्स में, विच इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में एक छोटी सी बात बता दूं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को श्रीधराचार्यज रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्यज रूल। ये क्या बात हुई भाई? तो ये तो नाम जैसा लग रहा है कुछ, श्रीधराचार्य किसी का नाम हो सकता है, तो बिल्कुल ये नाम ही है, एक इंडियन मैथमेटिशियन रह चुके हैं, उनका नाम है। तो ये अच्छी बात है कि इंडियन मैथमेटिशियन का बनाया हुआ है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और उन मैथमेटिशियन का नाम क्या था भाई? श्रीधर। श्रीधर नाम है, ये आचार्य जो है ये तो डिग्री होती है, ठीक है। तो कुछ लोग अपने नाम के पहले आचार्य लगा लेते हैं, कुछ लोग नाम के बाद में लगा लेते हैं। तुम लोगों ने सुना होगा आचार्य सुमित कौशिक या आचार्य विनीत भारद्वाज, ऐसे करके, मतलब आचार्य नाम के पहले लगा दे, तो बाद में भी लगा सकते हैं श्रीधराचार्य, ऐसे करके लगा दिया। जैसे नाम सुना हुआ, एक और बड़े फेमस मैथमेटिशियन रह चुके हैं भास्कराचार्य, ठीक है, एक रह चुके हैं निम्बार्काचार्य, ये सारे मैथमेटिशियन थे हमारे, तो बाद में लगा हुआ है आचार्य। खैर ये दूसरी बात होगी। तो बेसिकली तीन मैथड से बच्चों हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ये तीन मैथड लिखे हुए हैं। स्प्लिटिंग पिछले पार्ट के अंदर सिखा दिया, आज का पार्ट का टारगेट है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये मैंने थोड़ी सी झलक दी कि क्यों कंप्लीटिंग द स्क्वायर जरूरी है, उससे हमारा क्वेश्चन आसान बन जाता है। अब आगे ध्यान दो, अब हमें हर क्वेश्चन में क्या करना है, हर क्वेश्चन में हम ये काम करेंगे, हर क्वेश्चन में स्क्वायर क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? हर क्वेश्चन के अंदर हम लोग स्क्वायर क्रिएट करेंगे। तो हर क्वेश्चन में, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये स्क्वायर क्रिएट हो जाए, उसको क्रिएट करने के कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो हर क्वेश्चन में स्क्वायर क्रिएट होगा और ऐसे बिल्कुल झट से हमारे आंसर्स आ जाएंगे। तो वो स्टेप्स ही हमें सीखने हैं, ठीक है। तो मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। सभी अपनी एनसीईआरटी निकाल लो, पेज नंबर है 87, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, और ये स्टेप्स मैं बताऊँगा, अब ध्यान से समझना है सभी को। इसको कर देते हैं हम लोग रब, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करना है। ध्यान देना, सबसे पहला स्टेप होता है मेक, या एक तरीका और लगा लेते हैं हम लोग स्टेप्स को, इधर साइड में मैं लिख देता हूँ तो फिर उनको फॉलो करते रहना है। स्टेप्स टू फॉलो, इनको एक बार सभी अपने पास नोट कर लो, बस यही क्वेश्चन की जान है, इन स्टेप को फॉलो करके हम अपने आंसर तक पहुंचेंगे। सबसे पहला स्टेप है बच्चों, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू 1, या सिंपल लिख लें मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1। फिर दूसरा स्टेप जो लगेगा, दैट विल बी टेक कांस्टेंट टर्म टू RHS। इन दो स्टेप को फॉलो करते हैं, फिर आगे के स्टेप देखेंगे। सबसे पहला स्टेप बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को हमें 1 बनाना है। देखो यहाँ पर x का
अच्छा कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये स्क्वायर यहाँ पर कर लेना सभी। एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट को हमें वन बनाना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट कितना है, टू है। अब ये वन कैसे बन सकता है, इसको वन बनाने के लिए ऑब्वियस है मुझे पूरी की पूरी इक्वेशन को टू से डिवाइड करना पड़ेगा, इजंट इट। तो डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय टू, टू से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूं तो टू एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस सेवन एक्स बाय टू प्लस थ्री बाय टू इज इक्वल्स टू जीरो। टू से टू कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस सेवन बाय टू एक्स है, प्लस का थ्री बाय टू है इज इक्वल्स टू जीरो है जी। पहला स्टेप मेरा अजीब हो गया, देखो ज़रा ध्यान से, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट वन बन गया, एक्स स्क्वायर के साथ अब कोई और नंबर नहीं है, केवल वन है। पहला स्टेप हमारा बच्चों हो गया अचीव, ये हमने कर लिया। सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं, टेक कॉन्स्टेंट टू आर एच एस। कॉन्स्टेंट क्या है इसमें, ये वाली चीज जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसको आर एच एस में राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाना है, बड़ा ही सिंपल सा स्टेप है। सो सेकेंड स्टेप को फॉलो करते हुए ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन बाय टू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का थ्री बाय टू। बहुत आसान सी चीज़ है, सेकेंड स्टेप भी बच्चों हमारा फॉलो हो गया। अब थर्ड स्टेप की बारी, और थर्ड स्टेप बहुत ध्यान से करना जरूरी है, क्योंकि मोस्टली जो गलती होती है बच्चों से वो थर्ड स्टेप के अंदर ही होती है, तो वो हमें नहीं करनी। थर्ड स्टेप क्या है, हाफ द कोफिशेंट ऑफ एक्स, ध्यान से देख लो, हाफ द कोफिशेंट ऑफ एक्स, स्क्वायर इट एंड एड इट टू बोथ साइड्स। थर्ड स्टेप के अंदर तीन चीजें हमें फॉलो करनी है। सबसे पहला काम, हाफ द कोफिशेंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशेंट क्या है, एक्स के साथ वाला नंबर क्या है, माइनस सेवन बाय टू है, तो माइनस सेवन बाय टू को जरा यहाँ पर हम लिख लेते हैं, कहाँ लिखे, चलो यहाँ लिख लेते हैं माइनस सेवन बाय टू। क्या करना है उसके साथ, हाफ कर देना है उसका, तो हाफ किया तो ये बन जाएगा माइनस सेवन बाय फोर, बनेगा कि नहीं, हाफ कर दिया हमने। उसके बाद क्या करना है, स्क्वायर इट, लो ये किया हमने इसका स्क्वायर। फिर क्या करना है, एड इट टू बोथ साइड्स, उसको दोनों तरफ ऐड करना है। दो तरफ कौन सी हैं भाई, एक एल एच एस है एक आर एच एस है, तो दोनों तरफ इसको ऐड कर देंगे, यानी कि हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का सेवन एक्स बाय टू इधर मैंने प्लस कर दिया, माइनस सेवन बाय फोर का होल स्क्वायर, और ऐसे ही सामने की तरफ माइनस थ्री बाय टू में भी प्लस कर दिया, माइनस सेवन बाय फोर का होल स्क्वायर। बच्चों ये करते ही हमारा थर्ड स्टेप सॉल्व हो गया, कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप फिर से बताएं एक बार, देखो थर्ड स्टेप फिर से, हाफ द कोफिशेंट ऑफ एक्स, एक्स के कोफिशेंट, एक्स का कोफिशेंट क्या है, माइनस सेवन बाय टू है ना एक्स के साथ, तो उसका क्या करना है, हाफ करना है, यानी माइनस सेवन बाय टू का हमने हाफ कर दिया, यानी वन बाय टू से मल्टीप्लाई किया, कितना बना, माइनस सेवन बाय फोर आ गया। फिर क्या करोगे, स्क्वायर इट, उसको स्क्वायर करो, तो ये हमने किया इसका स्क्वायर, यानी माइनस सेवन बाय फोर का होल स्क्वायर आ गया। फिर एड इट टू बोथ, उसको दोनों तरफ ऐड कर दो, तो देखो यहाँ पे हमने एन एच एस में भी इसको ऐड कर दिया और आर एच एस में भी कर दिया, बहुत सिंपल है, हर क्वेश्चन में यही चीज़ फॉलो होगी। अब नेक्स्ट स्टेप, अगला उसके बाद क्या करना है, लास्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप, मेक एल एच एस आ परफेक्ट स्क्वायर, मेक एल एच एस आ परफेक्ट स्क्वायर। बिल्कुल, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में इधर
एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा हमेशा। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस स्टेप को अच्छे से समझ लेना एक बार सभी। देखो भाई बिल्कुल डिटेल में बताएंगे, पहला पार्ट है ताकि फिर तुम अच्छे से सॉल्व कर पाओ। LHS को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है, ध्यान दो, ये चीज़ अपने पास नोट कर लेना सभी। या तो LHS में a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, अभी ध्यान से समझो, और या फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। क्या मतलब हुआ, मैंने कहा LHS के अंदर हमेशा इन दोनों में से कोई एक आइडेंटिटी बन के आएगी, हमेशा हर क्वेश्चन में। अब सर दो चीज़ें दो में से पहचानने कैसे, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ठीक है ना बात, जायज क्वेश्चन है, दो में से पहचानने कैसे कि कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, तो सिंपल तरीका है, उसमें घबराना नहीं है। देखो ये आइडेंटिटी मदद करेंगी हमें पहचान कर देवे, अगर माइनस वाली आइडेंटिटी बन रही हुई तो ध्यान दो तुम्हें साइन अलग अलग मिलेंगे, यानी प्लस का माइनस का या माइनस का प्लस का, इस अलग अलग साइन मिलेंगे। और अगर प्लस वाली आइडेंटिटी बन रही हो, देखो दोनों सेम साइन है, दोनों जगह प्लस प्लस बैठा हुआ है, सिंपल सी चीज़ है, अगर दोनों जगह प्लस आया हुआ है तो प्लस की आइडेंटिटी है, और अगर अलग अलग साइन आए हुए हैं इसका मतलब माइनस की आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर मेरे को देख के बताओ, अब सब बता सकते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी है इसमें, ए माइनस बी वाली कि ए प्लस बी वाली, साइन कैसे है, माइनस का एक प्लस का साइन है, ठीक है। तो डिसीजन हो गया कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अब लिखें कैसे सर वो भी बताओ, तो लिखने का तरीका देखो, इसको रब कर रहा हूँ मैं, ये अपने पास नोट कर लेना, ये दो ही आइडेंटिटी लगेंगी, और मैंने बताया साइन अलग 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 हों, माइनस हो तो माइनस वाली, और दोनों जगह प्लस है तो ऑब्वियस है प्लस वाली आइडेंटिटी बनने वाली है। तो आगे इसको बढ़ाएं, देखो अब यहाँ पर डिसाइड हो गया था कि माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। देखो ए कौन है, ऑब्वियस है ए ये है क्योंकि ए स्क्वायर होता है, और बी है क्योंकि बी स्क्वायर होता है, आइडेंटिटी क्या है हमारी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी ये ए है ये बी है, तो दोनों को लिख लो। सो LHS में एक्स माइनस सेवन बाय फोर का होल स्क्वायर बन गया इज इक्वल्स टू माइनस थ्री बाय टू, और ये मैंने सॉल्व कर लिया, प्लस का 49 और अपॉन में मेरे पास आ गया 16, ठीक है। ये वाली चीज़ एक बार फिर से देख लो, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा जैसे कि फोर्थ स्टेप कहता है। अब परफेक्ट स्क्वायर दो ही तरह के बनेंगे, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर बना हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस का साइन लगा हुआ है। अब डिसाइड कैसे करेंगे, लिखना क्या क्या है, तो सिंपल तरीका है भाई, ये दिखना ही रहा है कि ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ए क्या होगा, ए अपना एक्स हो जाना है, और बी क्या हो जाना है, बी अपना माइनस सेवन बाय फोर, ये इसकी जगह आ जाएगा। तो एक्स माइनस सेवन बाय फोर का होल स्क्वायर ये हमारे पास बन गया, बहुत सिंपल तरीका। आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस आगे अब हमें सॉल्व करते हैं। देखो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था ना स्क्वायर बनाना है, बस तो ये स्क्वायर बन गया, तो ये स्टेप है स्क्वायर बनाने की। अब आगे बहुत आसान रहता है क्वेश्चन, आगे कुछ नहीं है, हमें जस्ट सॉल्व करना है। ध्यान से एक बार देख लो, x माइनस सेवन बाई फोर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे, 16 माइनस 24 प्लस 49, सो इट विल बिकम x माइनस सेवन बाई फोर का होल स्क्वायर, और स्टेप एक हम फटाफट से कर देते हैं, स्क्वायर इधर रूट लग जाएगा, अंडर रूट ऑफ 25 बाई 16। तो बच्चों अभी अभी स्टार्टिंग में एक चीज़ मैंने बताई थी, रूट में से हमेशा प्लस में और माइनस में वैल्यू तुम्हें निकालनी है, ठीक है, तभी दो आंसर बनेंगे हमारे। तो यहाँ से प्लस माइनस 5 और 16 का स्क्वायर रूट 4, ये हमारे पास आ गया। क्वेश्चन यहाँ से हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक तो x माइनस सेवन बाई फोर इज इक्वल्स टू प्लस का 5 बाई 4 रख देंगे, और दूसरा x माइनस सेवन बाई फोर इज इक्वल्स टू माइनस का 5 बाई 4 रख देंगे। यहाँ से फटाफट x की वैल्यू निकाल लेते हैं,
x बराबर 5/4 प्लस 7/4 12/4 यानी 3 आ जाएगा। सॉल्व कर लेना सभी, सिंपल है। यहाँ से x हमारे पास बन जाएगा -5/4 प्लस 7/4 यानी कि 2/4 यानी कि x इज इक्वल्स टू 1/2। बच्चों यहाँ से हमें मिल जाएगा, ये हमारे इस पार्ट के दोनों के आंसर हो गए। ठीक है, तो सभी आराम से वीडियो करो पॉज, इसको करो नोट और फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको करते हैं, इसको कर देते हैं रब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, उसको सॉल्व करेंगे, उससे क्या होगा कि हमारा और पक्का हो जाएगा मेथड, क्योंकि जितने क्वेश्चन हम लोग करते रहते हैं ना मैथ्स में, मेन चीज़ जो है वो है प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही काम बढ़िया होता रहता है। तो एक और क्वेश्चन पे सेकंड पार्ट पे अप्लाई करेंगे इस मेथड को, इन्हीं स्टेप्स को। 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जिन बच्चों को फर्स्ट पार्ट में कहीं पर अटक गए हैं, थोड़ा समझ में नहीं आया, फिर से देखो, और जिनको आ गया मेरे साथ साथ सॉल्व करना। सबसे पहला स्टेप क्या लगता है बच्चों, मेक कोफिशिएंट ऑफ x² 1। x² के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। यहाँ पर 2 बैठा हुआ है तो कैसे रहने देंगे इसको, बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे। क्या करेंगे, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2, कर दो डिवाइड। इधर 2 से डिवाइड करेंगे x² आएगा, प्लस इस वाले टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे x/2 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे माइनस का 2 यहाँ पर बन गया, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाने वाला है। पहला स्टेप अचीव हो गया, कंप्लीट। सेकंड स्टेप क्या है, टेक कांस्टेंट टर्म टू RHS। ये कांस्टेंट को RHS में लेकर के जाओ, तो x² प्लस x/2 इज इक्वल्स टू 2 बन गया। सेकंड स्टेप भी अचीव हो गया, आसान आसान से स्टेप है। तीसरा स्टेप में थोड़ा ध्यान रखना है, हाफ द कोफिशेंट ऑफ x, x के साथ जो नंबर है उसको हाफ करो। अब यहाँ पे थोड़ा समझ लेना, ये x/2 है, x/2 तो माने 1/2 x इज इक्वल्स टू 2 ऐसे। अब हमें दिखाई दे रहा है x का कोफिशेंट क्या है, 1/2 है, यानी कि x का कोफिशेंट का हमें करना है हाफ, तो 1/2 का हाफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/4। फिर उसका करना है हमें स्क्वायर, ये मैंने किया इसका स्क्वायर, देन एड इट टू बोथ साइड्स, तो इसको हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे -1/4 के होल स्क्वायर को। तो x² प्लस 1/2x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, और इधर भी प्लस किया 1/4 का होल स्क्वायर। आसान आसान से स्टेप है। अब देखो इसके बाद फोर्थ स्टेप, थर्ड भी हो गया, मेक LHS अ परफेक्ट स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। तो अभी हमने डिस्कस किया कि या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा भाई, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों जगह प्लस के साइन है, ये प्लस का साइन, ये प्लस का साइन, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a हमें ये दिखाई दे रहा है और b हमारे पास 1/4 है, तो प्यारे बच्चों ये बन गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर में क्रिएट हो गया, इज इक्वल्स टू सामने 2 प्लस 1/16 हमने इसको लिख लिया। तो ये टारगेट अचीव हो गया हमारा, हमने स्क्वायर क्रिएट कर लिया क्वेश्चन के अंदर। अब आगे बहुत इजीली फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत उसमें रहती नहीं। तो यहां पर x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट इधर हो गया, एलसीएम लिया 16 और अंदर बन गया हमारे पास 33/16। चेक करो, अंदर हमारे पास बन जाएगा 33/16, isn't it? So, इसका मतलब x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 33 का तो रूट होगा नहीं, 33 तो रूट में ही रहेगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, 16 का रूट हो गया तो 4 आ गया, प्लस माइनस के साइन लग गए। दो पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड, एक तरफ x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू रूट 33/4 हो गया हमारे पास, और एक तरफ x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू माइनस रूट 33/4 हो गया। बोलो भाई आ गई ना फीलिंग क्वेश्चन की, कुछ है नहीं, एक बार स्टेप दिमाग में रखने हैं और फिर तो धुआंधार चलता है।
तो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 33 माइनस 1/4, ये एक आ गया आंसर। और यहाँ से क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 33 माइनस 1/4, ये आ गया हमारा दूसरा आंसर। आंसर्स को जैसा कि मैं हमेशा हर वीडियो में तुम्हें सिखाता हूँ, आंसर को अपने ब्लॉक में किया करो हमेशा, जैसे यहाँ पे किए हुए आंसर के बाहर आंसर लिखा करो। ये क्वेश्चन पेपर में प्रेजेंट करने की स्किल्स होती हैं, इससे टीचर को भी कॉपी चेक करने में आसानी रहती है, तुम्हारा आंसर भी अलग से हाईलाइट होता है, अच्छी लगती है कॉपी मेंटेन हुई, ठीक है ना, लगता है कोई समझदार पढ़ा लिखा बच्चा है। सेकंड पार्ट हो गया, इसको पॉज करके वीडियो को इसको अच्छे से नोट करो, हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है देखते हैं। थर्ड पार्ट रूट वाला है भाई, रूट वाला क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करेंगे। देखो पार्ट नंबर थर्ड, 4x² प्लस 4√3 एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अच्छा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है वो एग्जाम में से हटा दिया है, बोर्ड एग्जाम में आएगा नहीं, और पिछले साल ही हट गया था, तो मैंने पार्ट वन के अंदर जब इंट्रो दिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट किया था, बताया भी था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एग्जाम्स के अंदर नहीं पूछा जाएगा। तो किसी बच्चे को डाउट है तो डाउट माइंड में मत रखना, मैंने क्लियर कर दिया, एग्जाम में नहीं आएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो क्यों करा रहे हो सर, ठीक है ना, क्यों टाइम खराब हो रहा है। तो एनसीईआरटी के अंदर तो एक्सरसाइज है ही, तो इसलिए सीख रहे हैं। फिर दूसरा इसका एक और फायदा भी होने वाला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कोर्स के अंदर है ना, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता कैसे है, उसकी डेरिवेशन क्या है, वो तभी सीख पाओगे जब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आता होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को सॉल्व करना, उसकी डेरिवेशन कैसे वो आता है, उसका प्रूफ जो है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही है, तो इसलिए इसको सीखना जरूरी है, इसलिए भी सिखाया गया है, ठीक है ना। तो बस ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन कंप्लीटिंग द स्क्वायर से नहीं आएगा, इतनी सी बात है, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ही। चलो इसको करते हैं, लगाओ पहला स्टेप, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो 4 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग दी इक्वेशन बाय 4, तो हमारे पास बना एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड स्टेप, टेक कॉन्स्टेंट 2RHS, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x इज इक्वल्स टू माइनस 3/4, यहाँ तक आ गए। थर्ड स्टेप, सर जल्दी जल्दी मत करो, ठीक है भाई, समझाया करते हैं। हाफ द कोफिशियंट ऑफ एक्स, थर्ड में क्या करना है, एक्स का जो कोफिशियंट है, एक्स के साथ ही जो है, एक्स का साथ जो नंबर है, यानी कि यहां पर रूट थ्री है, रूट थ्री का क्या करना है, हाफ करना है, ये लो किया इसका हाफ, कितना बन गया, ये रूट 3/2 बन गया जी। फिर क्या करोगे, स्क्वायर इट, लो किया स्क्वायर, फिर क्या करोगे, दोनों तरफ इसको ऐड करोगे, तो यहाँ ऐड किया मैंने ये रूट 3/2 का होल स्क्वायर, रूट 3/2 का होल स्क्वायर, और सामने भी ऐड किया रूट 3/2 का होल स्क्वायर। LHS हमेशा क्या बनेगी, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगी, तो LHS को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, दोनों जगह प्लस दिखाई दे रहे हैं, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, a हमारा ये वाले टर्म हो गई, b हमारी ये वाले टर्म हो गई, तो x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर यहाँ पर आ गया। सामने अपने को सॉल्व कर लेना है, माइनस 3/4 प्लस 3/4 बन गया जी। ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते वक्त ना धूल बहुत उड़ती है, डस्टलेस चौक भी अगर हम लोग ले लेना तब भी जो है डस्ट उड़नी ही उड़नी है, और उससे फिर ना प्रॉब्लम होती है बहुत, जब पढ़ाते रहते हैं सिर में अलग चौक घुस जाती है, तो इसलिए व्हाइट बोर्ड ज़्यादा सही रहता है। तो व्हाइट बोर्ड भी है हमारे पास, व्हाइट बोर्ड पे करेंगे क्लास को, आज काफ़ी समय बाद ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इस पे पढ़ने का अपना अलग ही मज़ा है ब्लैक बोर्ड पर भाई। शुरुआत तो ये ना, और ओल्ड इज गोल्ड, ये सबने सुना ही होगा, ये तो चाइनीज़ ने शुरू कराया है, व्हाइट बोर्ड जो है
खैर अब तो इंडिया में भी अपने हैं, बन रहे हैं सब, अच्छा है, स्टडी में सही रहता है। जो वाइट बोर्ड पे हमारे पास एक वैरायटी और रहती है कि वाइट बोर्ड पर ना थोड़ा, जब हम इसके, एक तो यही फ़ायदा है कि डस्टलेस है, वाइट बोर्ड पे धूल भूल उड़ने का तो कोई चक्कर ही नहीं है। फिर दूसरा एक फ़ायदा है कि उसमें वैरायटी ऑफ मार्कर्स से हम लोग लिख सकते हैं, तो खिल के आती है चीज़। हालांकि अलग तरह की चॉक्स यूज़ करके, कलरफुल चॉक से इस पर भी लिखा जा सकता है, पर वाइट बोर्ड पर थोड़ा ज़्यादा खिल के आता है, ये भी रहता है। तो वाइट बोर्ड इसके बराबर में ही लगा हुआ है, वाइट बोर्ड पे भी कभी क्लासेस लेंगे, अभी फ़िलहाल इस पे पढ़ाने का मन हो रहा है तो आज इस पे पढ़ाया है। खैर बीच में कहाँ चले गए सर, कोई बात नहीं। देखो ये आ गए यहाँ पर, अब हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं। x प्लस, अगर लगातार क्लास चलती रहे ना तो सिर में दर्द हो जाता है, तो बीच में थोड़ी बात बात करनी ज़रूरी है। ये माइनस 3/4 प्लस 3/4, अरे वाह ये तो कैंसिल हो गए, जीरो हो गया सामने, अपने पास क्या बचा, जीरो शून्य, ठीक है ना। अब ये क्या चक्कर है भाई, सामने अपने पास जीरो है, सामने तो कुछ हमारे पास बचा ही नहीं, और ऊपर से यहाँ पर ये स्क्वायर भी है, इसका क्या करेंगे जी हम। तो ये चीज़ आने के बाद यहाँ पर तो स्क्वायर लगा हुआ ही है, अब ये दो तरह से होगा, x प्लस रूट 3/2 ऐसे हो गया, और x प्लस रूट 3/2 ऐसे हो गया, सही है। इस चीज़ को समझ लो भाई, यहाँ पर माइनस 3/4 प्लस 3/4 दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर तो आ गया जीरो शून्य, इधर रह गया x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर, ये रह गया। अब आगे कैसे निकालने सर, तो आगे इसको, ये स्क्वायर है ना, तो दो बार हो जाएगा x प्लस रूट 3/2 और x प्लस रूट 3/2, आंसर अभी भी दो ही आएंगे। x प्लस रूट 3/2 को भी हम जीरो के इक्वल रख देंगे, और इस वाले फैक्टर को भी x प्लस रूट 3/2 को, इसको भी जीरो के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से x हमारा आ गया माइनस रूट 3/2, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से कुछ भी नया नहीं आने वाला, यहाँ से भी सेम ही आएगा क्योंकि दोनों फैक्टर हमारे पास सेम ही थे, यहाँ से भी यही आएगा, दोनों आंसर होंगे। तो सर दोनों निकालने जरूरी है क्या, जब दोनों सेम सेम है, जगह जगह घेर रहे हैं, दोनों निकालने जरूरी है, पेपर में ऐसी गलती कभी भी मत करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके हमेशा दो आंसर आएंगे, ध्यान रखना। ऐसा हो सकता है भले ही दोनों सेम आ जाए, लिखने दोनों ही हैं पेपर के अंदर। यहाँ पर डिग्री क्या है, डिग्री है 2, तो आंसर कितने बनेंगे, जीरोस कितनी आएंगे, फैक्टर कितने आएंगे, दो ही आएंगे बच्चों, ध्यान रखना। ऐसी गलती मत करना कि एक निकाल के आ जाओ, इस तरह से क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, दो आंसर आएंगे भले ही सेम आ जाएं, तब पूरे मार्क्स मिलेंगे। खैर ये थर्ड पार्ट हमारा पूरा हो गया, वीडियो को करो पॉज, इसको करो नोट, हम लोग करते हैं फोर्थ पार्ट देखते हैं। टेंशन बिल्कुल भी लेनी नहीं है, सारी चीज़ें धीरे धीरे पूरी करा देंगे, सॉलिड एकदम, बस प्रैक्टिस डेली अपनी जारी रखो, डेली जम के प्रैक्टिस करो। टेलीग्राम पे जो नहीं जुड़ा ना, जाकर के जुड़ जाओ, और जुड़ के ही है ना, जुड़ के बैठ के बस वहाँ आ रहा है मटेरियल सर, डाले जा रहे हैं मटेरियल, हमारे पास मटेरियल इकट्ठा हुआ जा रहा है, फाइलें हमारी भरी जा रही हैं, प्रिंट आउट निकलवा के हमारे पास रख ले रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला भाई, रद्दी वाले का काम तुम बढ़ा रहे हो, साल पूरा होने के बाद रद्दी में दे दोगे बस, तुम्हें मिल जाएंगे 20-30 रुपए। तो ऐसा नहीं करना है, जो भी मटेरियल टेलीग्राम पे आ रहा है उसको उसी दिन सॉल्व करो, आंसर भी उसके प्रोवाइड में करा देता हूँ, आंसर मैच करो, कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो टेलीग्राम पे अलग से ग्रुप बनाए, उसमें एक दूसरे से डिस्कशन करो, तब उस मटेरियल का फ़ायदा होगा, ठीक है। चलो खैर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2x² + x + 4 करो, पहला स्टेप लगाओ, इसमें बड़ी खास चीज़ जानने को मिलेगी, ध्यान देना। 2x² + x + 4 में कोफिशेंट ऑफ x² 1, अच्छा जी तो डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, दिख गया हम, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2, तो ये बना भाई अपना x², ये बना भाई अपना x/2, ये बना 4/2 करने से 2 = 0। फिर सेकंड स्टेप लगाओ, x² + x/2 कांस्टेंट टर्म गई, RHS में माइनस का 2 बन गया। फिर थर्ड स्टेप लगाओ, x का कोफिशेंट क्या है, यहाँ x का कोफिशेंट पिछले क्वेश्चन में भी यही था कि नहीं, x का कोफिशेंट है यहाँ पर 1/2, क्या करना होता है उसका, हाफ करना होता है सर, बहुत बढ़िया, हाफ करके फिर क्या करोगे, स्क्वायर करेंगे सर, बहुत बढ़िया, फिर क्या करोगे, दोनों तरफ ऐड कर देंगे सर, और भी बढ़िया। तो x + x/2 + 1/4 का होल स्क्वायर इधर भी ऐड हो गया, और सामने -2 + 1/4 का स्क्वायर इधर भी,
ऐड हो गया। फिर क्या करेंगे सर, LHS के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने का आसान तरीका बताया हुआ है, क्या बताया है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहां पर दोनों जगह प्लस प्लस है, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर है। सर आपको ये कैसे पता लगता है a की जगह x आएगा, b की जगह 1/4 आएगा? अरे भाई आइडेंटिटी से कंपेयर करो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी a तो यही है x, और बी स्क्वायर यानी बी 1/4 है। तो ऐसे पता लगता है बस कि a की जगह x और b की जगह 1/4 आएगा। साइन का कैसे पता लगता है, दोनों जगह प्लस है तो प्लस आएगा, ऑब्वियस है। परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, इस इक्वल्स टू यहाँ पर सॉल्व किया तो -2 प्लस 1/16 बन गया जी। फिर आगे करो, आगे हमारे पास आया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एलसीएम उठाया हमने यहाँ, 16 माइनस 32 और प्लस 1, तो x प्लस 1/4 टाइम आ गया, -31/16 किसका टाइम आ गया भाई, टाइम मैं कह रहा हूँ टाइम वो आ गया, मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था ना इसमें खास चीज़ जानने को मिलेगी, तो वो वाला टाइम आ गया। तो खास चीज क्या है, ये माइनस में आ गया। यहां से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सीखोगे, ध्यान देना सभी। फोर्थ पार्ट चल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन का, एक्सरसाइज 4.3 का। फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हुए, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए यहां पर हम लोग आए और हमने देखा एक बड़ी खतरनाक सी सिचुएशन बन गई है। इसमें खतरनाक क्या है मैं तुम्हें रिकॉग्नाइज कराता हूं। यहां पर माइनस का साइन लगा हुआ है। अब जब तुम आगे सॉल्व करोगे तो एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर स्क्वायर यानी रूट बनेगा इधर, तो अंडर रूट ऑफ -31/16 आ जाएगा। कहोगे सर इसमें क्या नया है, तो नया इसके अंदर यह है रूट के अंदर माइनस आ रहा है। रूट के अंदर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, और रूट के अंदर माइनस हो ऐसा सॉल्व करना तुम लोगों ने अब तक सीखा नहीं है। टेंथ लेवल पर अंडर रूट माइनस, रूट के अंदर माइनस में कोई वैल्यू है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, टेंथ लेवल तक ये चीज नहीं आती। यानी कि सर थोड़े एग्जांपल से समझ में आएगी बात, ठीक है? तो इसको आई होप नोट कर लिया होगा, इसको रब कर देते हैं हम यहां से। अंडर रूट ऑफ -4 मैंने तुम्हारे से कहा मुझे निकाल के बताओ क्या होगा, तुम लोग दीवारें देखते रहोगे। मैंने कहा अंडर रूट 4 मुझे निकाल के बताओ, तुम बता दोगे सर 2 आएगा ये, तो प्लस माइनस 2 हो जाए निकाल दो। लेकिन इसको कैसे निकालोगे -4 को, ये अभी हमारे सामने सवाल है। लेकिन ये सवाल जो बच्चों है ना टेंथ लेवल पर ही है, टेंथ लेवल पर स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स ये सॉल्व करना नहीं सिखाया जाता। लेकिन ऐसा नहीं है तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं जाएगा, ये नेक्स्ट क्लास में 11th क्लास के अंदर सिखाएंगे। 11th क्लास के अंदर एक चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी का, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्लास 11th में, ठीक है बच्चों? तो वहां पर तुम लोग जा करके सीखोगे कि ऐसी सिचुएशन जब बने स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आए उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों? तो टेंथ लेवल पे क्या करना है सर, उसका समाधान तो बताओ। टेंथ लेवल पे क्या करना है, जब कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए रूट के अंदर माइनस आ जाए इस तरह से, तो फिर आगे हम क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, वर्ड पे ध्यान दो, नो रियल रूट्स, बस ये लिख के हम अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे। अंडर रूट में माइनस आ रहा हो कभी क्वेश्चन को आगे मत बढ़ाना, दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, ये लिख के बस हम छोड़ देंगे। यानी के इसको और इलैबोरेट कर रहा हूं मैं, ध्यान दो मेरी बात पर, ये नो रियल रूट्स का मतलब क्या होता है पूरा सिखाएंगे। नो रियल रूट्स का मतलब रियल नंबर क्या होते हैं, स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रेशनल और इरेशनल, ये दो तरह के नंबर जो होते हैं हमारे रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब यहां लिखा है नो रियल रूट्स, नो यानी रियल नहीं होगा रूट, यानी ना ही तो रेशनल होगा, एक्स की वैल्यू जो होगी ना ही तो रेशनल होगी और ना ही तो इरेशनल होगी, इन दोनों में से कोई नहीं होगी, तो फिर क्या होगी, एक इमेजिनरी नंबर होगी, एक इमेजिनरी नंबर होगी, ठीक है बच्चों? तो टेंथ लेवल पर
केवल और केवल तुम लोग रियल नंबर्स के बारे में पढ़ते हो। जैसे ही इलेवेंथ में एंट्री लोगे, चैप्टर नंबर 5 पे आओगे, थोड़े नंबर और ऐड हो जाएंगे नंबर सिस्टम के अंदर। वहां पर जाके इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट पढ़ोगे और तब सीखोगे कि अंडर रूट में जब नेगेटिव टर्म हो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आई होप सारी बात क्लियर हो गई होगी। पूरी डिटेल के अंदर मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। जान क्या है कंप्लीटिंग द स्क्वायर की, वो यहाँ पर है। ये स्टेप्स, इन स्टेप्स को बड़े अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना और तुरंत जाके इसके 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, तो ये कंसेप्ट बिल्कुल और बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, जिसके अंदर हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगा सर? तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को प्रूव करना सिखाऊंगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के ही बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फिलहाल इस पार्ट के लिए इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, डेली जम के पढ़ते रहो, मैथ्स में कोई भी कमी नहीं छोड़ो।